हेलो गाइस, नमस्ते। आज की शुरुआत हो गई है फिर चाय से और बिस्किट से, क्योंकि ठंड तो यहाँ पर बारिश होने की वजह से ठंड फिर से चरम है चरम दोस्तों। और मैं यहाँ पर कर रही थी एडिटिंग ओवर वॉइस। ये मेरा हेडफोन है, इसको लगा करके मैं ऐसे वॉइस ओवर करती हूँ। ठंड की वजह से समंदर है, धूप का नामोनिशान नहीं। तो आज हम घर के अंदर करेंगे कि आपको कुछ अच्छा सा दिखाएं, एंटरटेन करें। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। ये है एक कंदमूल, इसकी सब्जी भी खाते हैं और चटनी भी। और तो इसको मैं पहले बॉईल करूंगी फिर फ्राई। आप गाइस देखते रहिए वीडियो को और आप इसको बताइए आपको क्या कहते हैं हमारे यहाँ। इसको तरुल बोलते हैं, ये धरती में बहुत ही गहराइयों में। देखिए क्या है, ये बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। इसमें देखिए इसका एक पार्ट है ये तो, और यानी कि इतना मोटा होगा ये पेड़ की तरह। यहाँ पर हमने जो उबाला था ना तरल, उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में रख लिया। और तड़के के लिए यहाँ पर हरी मिर्च, और जो कि लाल हो गई ना, वो हरी मिर्च को और अदरक को काट लिया। यहाँ पर सरसों के तेल में हम बना रहे हैं गाइस। तो सरसों के तेल में तो खाना बहुत ही टेस्टी बनता है, और वो भी लोहे की कढ़ाई में। तो गाइस हम हमेशा ये यूज़ करते हैं। तो इसमें हम तड़का मार रहे हैं, और जैसे ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए अदरक, तो इसमें डालेंगे जो कटे हुए है ना, इसको हम इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और इसमें डालेंगे नमक और हल्दी, और बाकी कोई और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं गाइस। इसमें हम चटनी तैयार करेंगे तिल के साथ। तिल को भून के, सफ़ेद तिल को भूनने के बाद उसमें मिक्स करके बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा, फ्राई हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये ज़्यादा हो गया, कढ़ाई छोटी हो गई तो अच्छे से हो नहीं पा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा भी हल्दी डाला और इसको मिक्स कर रहे हैं। और जैसे ये ब्राउन हो जाए इसको उतार लेंगे, किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। और जैसे ये ठंडा हो जाए तो हम इसमें लगाएंगे तिल और मिर्च जो हमने भून के रखे थे, एक पाउडर सा बना रखा है, तो उसको मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा नींबू डालेंगे तो, और देखिए चटपटी चटनी तैयार हो जाएगी हमारी। अब देखिए फ्राई हो चुका है, तो अभी जैसे ही ठंडा होगा हम इसमें तिल विल मल के चटनी तैयार कर लेंगे। तो गाइस हमारी थाली हो गई तैयार। आज के डिनर में गाइस प्योर शुद्ध पहाड़ी खाना है। तो यहाँ पर मैंने बनाया तरुल की चटनी और मिक्स साग, साथ में है होममेड पनीर जो मैंने घर पे ही बनाया था, उसकी सब्जी बनाई, और शुद्ध गाय के दूध का बटर। और ये जो आपको दिख रही रोटी, ये है गाइस मड़वे की रोटी। तो ये बिल्कुल शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी पहाड़ी खाना है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।